लो भाई खत्म। बस मैं इस बटन को ऑन करता हूँ, मैं और ज्यादा इंतजार में खुद नहीं कर पा रहा हूँ। व्लॉग बन रहा है क्या? बिना पूछे व्लॉग शुरू कर दिया। अब क्या करूँ मैं, क्या दिखाऊँ जो इतने सारे लोग देख रहे हैं व्लॉग में? वो तो देख लेंगे ना। खैर यार, दिन भर बारिश पड़ रही है, मेरा दिमाग घूम चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज करें क्या। अभी 1 बज रहा है, सुबह से बारिश पड़ रही थी, अभी हल्की फुल्की कम हुई तो मैं बाहर आया, और जब पीछे मुड़ के देखा तो इसने व्लॉग शुरू कर रखा है। वही वाला करते है ना? कौन सा बल्ब वाला? हाँ हाँ। तो चलो गाइस, आज एक कमाल का एक्सपेरिमेंट करते हैं इस ब्लॉग चैनल पे, जिसे देख के शायद आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक्चुअली आज से 3 साल पहले हमने एक चीज ट्राई की थी अपने मेन चैनल पे भी और अपने किसी दूसरे चैनल पे भी। उसमें हमने खुद से एक बल्ब बनाकर देखा था, और बल्ब अभी से कितने साल पहले इन्वेंट हुआ जल्दी जल्दी कॉमेंट कर दो, क्योंकि मुझे याद नहीं है। थॉमस एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था। अब उन्होंने कैसे इन्वेंट किया था, उनको क्या क्या दिक्कतें आई थी, आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और खुद से बल्ब को बनाकर देखेंगे। बल्ब बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहले तो बल्ब में एक एलिमेंट होता है जो कि बहुत तेज ग्लो करता है। तो आपको कि हाँ भाई ठीक है, ग्लो करता है, आप क्या करें। तो उस एलिमेंट को चलने के लिए अंदर एक ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ही वो इतना लॉन्ग टाइम तक जलता रहता है और हमें बल्ब की रोशनी दिखती है ग्लो करते हुए। तो सब चीजें करते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बोर हो जाओगे। जल्दी से उस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली करके देखते हैं, और आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लाइक टारगेट मैं दे देता हूँ, 400 लाइक इस बार हो पाएगा क्या? पिछले ब्लॉग में भी नहीं हो पाया 400। चलो 300 लाइक कंप्लीट करो जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ आंधी तूफान आ चुका है, वो देखें, ये मुझे हमेशा परेशान करता है वीडियो बनाने में, ठीक है? तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मेरे हाथ में एक 100 वाट का बल्ब है और मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ। देखो ये कितना बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है, और ऐसे ही ग्लो करता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके अंदर जो ये फिलामेंट है बल्ब का, कितनी तेज ग्लो कर रहा है लेकिन फिर भी ये जल नहीं रहा है। मतलब जलने का मतलब है जल के खत्म हो जाना, राख बन जाना। तो अगर मैं एक ग्लास है इसको तोड़ दूं और उसके बाद यही सेम चीज करूं तो 1 सेकंड के अंदर जल के खत्म हो जाएगा ये फिलामेंट। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसको बाहर की ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन किसी चीज को कैसे नष्ट करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जब हम कोयला खुद से बनाते हैं लकड़ी से, अगर हम ऑक्सीजन के बिना कोयला को जलाते हैं तो वो जलता नहीं है। लकड़ी होती है जल के राख नहीं होती, वो कोयले बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल के पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, उसमें ऊर्जा बच जाती है। यही रीजन है कि बाद में हम उसको कोयले की तरह यूज कर पाते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है नॉन रिएक्टिव गैस है, ऑक्सीजन तो है नहीं, कोई भी गैस होती होगी, ये नॉन रिएक्टिव गैस भरी है, जिसके कारण जो फिलामेंट है वो नष्ट नहीं हो पा रहा, वो काफी लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। तो आज हमारा चैलेंज ये है कि इसको हम तोड़ देंगे, और इस एलिमेंट के लिए खुद से एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन ना हो। नॉन रिएक्टिव गैस तो नहीं ला सकते लेकिन ऑक्सीजन को हटा तो सकते हैं ना, वो सब कैसे करेंगे ये चैलेंजिंग होने वाला है। जिस बल्ब को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, तोड़ तो हम देंगे लेकिन एलिमेंट को सेफ रखना है, उस हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। देखो मैंने ग्लास वगैरह लगाया, आपको घर पे ट्राई नहीं करना। एंड यहाँ पे मैं भाई देखा ब्लास्ट करके टूटता है, क्योंकि इसके अंदर गैस भरी हुई होती है और वो निकलती है इकट्ठे, इसलिए ऐसा होता है। अब ये जो कांच है बहुत डेंजरस है, इसलिए बाहर आकर इसको तोड़, और ये जो बचा खुचा है इसको भी हटा देते हैं। चलो एलिमेंट भी सेफ बच गया है। गाइस मैं इसकी बलि चढ़ाने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसका कांच टूटने के बाद ये कैसा काम करेगा। देखो लो भाई खत्म, ये धुआं कैसे निकला, ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के कारण, और वो हो गया राख, जल गया, ठीक है? तो बस यही चीज आपको समझा रहा हूँ। अब एक नया बल्ब लाना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम इस एलिमेंट को कैसे डालेंगे और कैसे उस जगह से ऑक्सीजन को निकालेंगे वो सब आपको दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे बल्ब बनाने के लिए मेरे पास एक कांच का जार है जो कि कुछ कुछ बल्ब की तरह ही दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, इस कांच के जार के अंदर, देखो मैंने नया बल्ब तोड़ के इसको सेफली निकाल लिया है, इसको बहुत ही ध्यान से बिना तोड़े इसके अंदर कुछ इस तरह से डालना है। बताओ बल्ब जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसका ढक्कन हमारे पास है नहीं, ठीक है? तो अब ढक्कन नहीं है तो एक प्रॉब्लम हो गई है। हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल के बाहर से एम सील लगा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे हमें इसको बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से एयर टाइट करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल सील बंद, इतनी सी भी हवा अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी सी भी हवा अंदर गई तो ये फिर तुरंत ही फ्यूज हो जाएगा। आपको पता ऑक्सीजन अंदर एंटर करते ही काम खत्म हो जाएगा। तो चलो जल्दी से सारी चीजें कर लेते हैं, बीच में एक और स्पेशल चीज करनी है कि इसके अंदर का ऑक्सीजन हमें निकाल लेना है, वो कैसे करेंगे वो भी पता चलेगा। तो गाइस इस बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन को निकालने के लिए मेरे पास ये चीज है, ठीक है? ये मैंने अभी अभी एक फ्यूज बनाया है जिसमें मैंने माचिस की तीली नाइक्रोम वायर का यूज किया है। देखो इससे क्या होगा आपको दिखाता हूँ, जैसी मैं इसको पावर दूंगा ये होगा,
और ये बल्ब के अंदर करने वाले हैं। देखो इसके अंदर से सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल लेना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन क्या हो अगर हम इसके ऑक्सीजन को यूज कर ले जो इसके अंदर है। तो यूज करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो अगर हम इसके अंदर आग जला दें और ये बाहर से पूरा बंद हो तो अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी आग उसको यूज कर लेगा। अब उसको यूज कर लेगा इसका मतलब उसके बाद इसमें ऑक्सीजन नहीं बचेगा, हमारे पास एक ऐसा वातावरण बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। और उसके बाद जब हम बल्ब को जलाएंगे तो वो ग्लो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इसको फुली एयर टाइट भी होना चाहिए। तो चलो फटाक से एमसील को मिक्स करते हैं और ये जो फ्यूज है इसके अंदर फिट करते हैं। गाइस फाइनली हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इस काम को करने के लिए। मेरे पास एमसील मिक्स पड़ी हुई है और जार भी है और साथ ये फिलामेंट भी पड़ा हुआ है जो बल्ब का है, और दो मैंने फ्यूज बनाया है। दो इसलिए कि चलो एक को एक बार तो जला देंगे, ठीक है, दोनों को हम इसके अंदर डालने वाले हैं। एक को जला देंगे वो ऑक्सीजन को पूरा कवर कर लेगा, खींच लेगा, और दूसरे को भी जला देंगे जिससे कि इतना सा भी ऑक्सीजन अगर बचा हो तो वो भी ये खींच ले, जिससे कि हमारा एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाए। मतलब कोशिश पूरी कर रहे हैं, बाकी आप लोग देखो क्या होता है। तो इन सारी चीजों को इसके अंदर डालते हैं। गाइस फाइनली देख सकते हो हमने चारों तरफ से एम सील बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा दी है। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका एक भी हिस्सा ऐसा ना रह जाए जहां से कि कोई भी हवा अंदर जाए, ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कि आप भी देख पा रहे हो। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, आगे कैसा होता है वो तो अब सुबह पता चलेगा, क्योंकि अभी रात का टाइम है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा जिससे मजबूत हो जाए और भाई इसके अंदर एयर जाने से रुक जाए, ठीक। तो चलो फिर आपसे सुबह मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा बल्ब जो है सूख चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है। मैंने ऊपर से और ज्यादा एयरटाइट करने के लिए ग्लूगन भी लगा दिया, मैं चाहता नहीं कि ये फेल हो यार, लेकिन वो सब आपके सामने आ जाएगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता है। अब इसको जरा टेस्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा रहेगा कि जो हमने अंदर फ्यूज डाला है दोनों को चलाते हैं एक एक करके, ठीक है। इस बैटरी की हेल्प से हम फ्यूज को चला सकते हैं अंदर। अभी ये अंदर मे बी ब्लास्ट ना कर जाए करेगा, क्योंकि उतना भी ज्यादा धुआं वगैरह तो रिलीज नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, बेसिकली हमें इसके अंदर आग लगानी है और सारे ऑक्सीजन को खत्म करना है, तो प्रोसेस को शुरू करते हैं। गाइस मूवमेंट ऑफ द थ्रोट के लिए रेडी हो जाओ। और यहाँ पे ओ भाई साहब देखो आग जल रही है अंदर। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज आपने देखी होगी कि इसकी वायर की साइड से थोड़ा सा धुआं लीक भी किया, वो हमने उस टाइम देखा नहीं, जिससे कि पता चल रहा है कि ये लीकेज का कारण बन रहा है। मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इससे लीकेज हो रहा है। फिलहाल तो मैंने वापस इसमें ग्लू गन लगा के इसको ठीक किया है। दूसरे वाला फ्यूज को चलाते हैं और देखते हैं कुछ लीकेज देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे सेकंड वाला फ्यूज चलाते हैं। तो लास्ट टाइम इससे थोड़ा सा धुआं लीक भी किया था, लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा रिपेयर भी कर दिया है एंड अब हम इसको डायरेक्टली इस इन्वर्टर से चलाकर देख सकते हैं। देखो मैंने पहले मुझे लगा था कि वायर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मैंने अलग से ग्लूगन लगाया, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रहा। मतलब काफी थोड़ा सा निकला, ज्यादा नहीं निकला, लेकिन वो थोड़ा सा ही हमारे लिए संकट बन सकता है। तो गाइस सब कुछ रेडी है, अब बस मैं इस बटन को ऑन करता हूँ। मैं और ज्यादा इंतजार में खुद नहीं कर पा रहा हूँ एंड ओ भाई साहब अरे मतलब खत्म हो गया एंड इससे पता चल रहा था कि इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जा पा रही है। मतलब ऐसा गरम वरम भी नहीं हो पाया। अब ये उससे तो ज्यादा देर, थोड़ी सी ज्यादा देर तो चला होगा मे बी, लेकिन हमने बहुत ज्यादा कोशिश की यार कि हम करें यहाँ से, फिर भी कहीं ना कहीं से इसके अंदर ऑक्सीजन घुस पा रही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई। हाँ भाई इतना आसान थोड़ी है, मतलब ऐसे थोड़ी एक बंदा पूरी जिंदगी बल्ब के पीछे लगा के चला जाता है। हम कैसे सोच सकते हैं कि हम 5 मिनट में बल्ब बना लेंगे, मतलब इतना ईजी नहीं है। बाकी आप लोग आइडियाज कॉमेंट करो और अपने अपने दिमाग के हिसाब से रीजन कॉमेंट करो कि क्या क्या रीजन रहा होगा और हम इसको कैसे पूरा एयर टाइट कर सकते हैं, और जो हमारा सोचना है वो सही है भी या नहीं। मतलब हम ये जो सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जाएगा तो ये बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, क्या कोई और भी गैस है जो रीजन बन सकती है इसके फिलामेंट के जल जाने की, सब आप लोग कमेंट करना। हो सकता है बहुत सारे समझदार लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, इनकी समझ मेरे से बहुत ऊपर हो। मुझे बस रीजन जानना है, मुझे ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो गया, मुझे आता है या नहीं आता है, मुझे जानना है कि असल में क्या हो सकता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो।